Jai Guruji, Shukrana Guruji, and my greetings and salutations to Guruji's Sangat all over the world. Guruji ka bahut bahut shukrana for giving me this opportunity to share my satsang. Guruji se main last year actually connect hui thi, jaise ki sab sangat kehte hain ki एक्चुअल जो कनेक्शन होता है वो बहुत पुराना होता है. आई एम श्योर माई कनेक्ट द गुरुजी प्रीडेट्स द एक्चुअल डे व्हेन आई विजिटेड द बड़ा मंदिर और व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हिम. तो आई एम फ्रॉम द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड आई लास्ट सर्व्ड एज द इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस. सो लास्ट ईयर जब मेरी असाइनमेंट कम्प्लीट हुई तो एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर आई केम बैक टू इंडिया. तो जब मैं इंडिया आई तो मैं एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी करीब. आई वांटेड टू बाय एन अपार्टमेंट. तो मैं अपने रियल्टर के साथ एक दिन इस तरह ग्रीन पार्क गई घर देखने के लिए. तो जब मैं एक फ्लैट सर्वे कर रही थी तो मेरे किचन में एक फोटो देखी. तो उसमें लिखा था गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉरएवर ब्लेस. तो मैंने पूछा कि ये घर किसका है. तो मेरे जो रियल्टर थे जो ब्रोकर थे उन्होंने कहा ये कश्मीरी पंडित है उनका है. तो मैंने फोटो देख के कहा कि शायद कोई कश्मीरी पंडित ये गुरुजी हैं. बट दैट ऑरा दैट व्हिच द पिक्चर रेडिएटेड और जो एक वो जो इमेज थी वो इट्स स्टक इन माय माइंड. तो मैंने घर जाके गूगल किया तो देखा, देखना शुरू किया, सत्संग भी कई सुने. सो इट ऑल फेल्ट समथिंग वेरी न्यू, अ न्यू फिनोमिनन आई थॉट इट वॉज. कि कोई ऐसे भी गुरुजी हो सकते हैं जो लोगों की डिजीजेस एलमेंट सब ठीक कर देते हैं. इतने सारे लोगों की ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ही इज प्रेजेंट अराउंड दो ही इज नॉट इन द वर्ल्ड. वो अपना फिजिकल रूप छोड़ चुके हैं एंड येट ही एग्जिस्ट वेरी मच अराउंड एंड पीपल फील हिज प्रेजेंस इन मेनी टैंजिबल वेज. ये सब बहुत अमेजिंग लगा. तो मैंने सत्संग कई सुनने शुरू किए. तो एनी वे आई वॉज वेरी जो पुल थी एक वो यू नो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ सत्संग्स. तो जैसे जैसे मैं सुनती गई तो क्यूरियोसिटी भी और एक इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ने लगा. तो मैं किसी तरह बड़ा मंदिर मुझे मालूम नहीं था एग्जैक्टली ये कहाँ है पता करके. मैं तब जब इंडिया आई थी तब मुझे मेट्रो का भी पता नहीं था ज्यादा. मैंने कभी ली नहीं थी एक्चुअली. और मैं अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बहुत दूर रह रही थी. एनी वे आई वेंट टू द बड़ा टेम्पल. फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो बहुत लंबी लाइन थी और बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे. तो मैंने किसी से पूछा आज क्या कोई स्पेशल डे है कि इतने लोग लाइन में खड़े हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, हर वीकेंड में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे इतना ही क्राउड इतने लोग आते हैं. सो इट फेल्ट रियली यू नो इट वाज अमेजिंग टू सी सच अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल लॉन्ग लाइन. पर जब मैं अंदर गई एंटर किया बड़े टेम्पल में it was indeed a beautiful experience. I mean, I felt very good. The moment I stepped in, it felt very good. It felt divine. Koi shor nahi tha, koi kuch nahi, quiet, and people were moving on in the line. जब जल प्रसाद उन्होंने दिया मुझे कुछ पता नहीं था मंदिर के बारे में, उसके protocols क्या वहाँ क्या serve होता है. तो मैं जैसे बताया कि इंडिया आई थी काफी यू नो आफ्टर मेनी इयर्स एंड ऑल दैट. तो मैं आई वाज यू नो वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय वाटर अबाउट माय फूड. तो मैंने सोचा कि मैं तो बॉटल का पानी पीती हूँ और ये सब. मैं फिर भी मैंने जल प्रसाद पी लिया, बड़ा अच्छा लगा. खैर जब करते करते फाइनली जब हम अंदर गए, अंदर हॉल में ले गए जहाँ गुरु जी के स्वरूप है, जहाँ गुरु जी की गति है, आई सैट डाउन देयर एंड Close my eyes, the atmosphere was very divine, and all the people there, they looked like devotees, and everybody really was brimming with devotion. So, the atmosphere was very celestial. So, I had my eyes closed, and I was also afraid that they would say that you should go, because it was a lot of crowd. But I still managed to be there about 8-9 minutes. So, when I closed my eyes, I realized I was crying. मैंने सोचा मैं रो क्यों रही हूँ. मैंने आई आस्क्ड मायसेल्फ, आई मीन आई डोंट क्राई सो इजीली एंड व्हाट्स गोइंग ऑन. तो मुझे समझ में आई
was just I was this was not in my control of that. I was really crying and crying. So then, I mean, you get to know from the Sangha that that many people, when they visit the temple for the first time, they feel the same. They cry, and maybe Guruji, you know, purges you of your sins and of your the burden of sins that we carry and the bad karmas. जो भी था मुझे नहीं मालूम था पर बड़ी अच्छी एक फीलिंग थी. उसके बाद चाय प्रसाद भी पिया. इट फेल्ट वेरी टेस्टी एंड वेरी गुड. नवंबर का महीना था. इट वॉज द एंड ऑफ नवंबर. इट वॉज कोल्ड. सो टी वॉज रियली ग्रेट. उसके बाद जब प्रसाद की बारी आई तो आई वॉज लिटिल बिट स्क्विमिश कि तीन अननोन लोगों के साथ शेयर करना. फिर मैंने पर कर लिया एंड आई एंजॉयड इट. तो घर बड़ी दूर था. बड़े सारे लोग थे. जो संगत थी वो बहुत हेल्पफुल थे. फाइनली आई रीच होम फाइन. फिर मैंने जाके उस तब से मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया. एक इंटरेस्ट सा ग्रो होना शुरू हो गया गुरु जी के बारे में. जानू और उनके बारे में कौन थे वो कैसे आए उनके क्या कोई टीचिंग्स थी उनकी यू नो व्हाट वाज हिज क्रीडो. तो मैं बहुत सत्संग मैंने सुनना शुरू कर दिया. समटाइम्स लेट यू नो इन द मॉर्निंग आवर्स आई वुड बी लिसनिंग टू सत्संग. बहुत सुने तो उससे एक आइडिया हो गया गुरु जी के बारे में. तो इस तरह मैंने बहुत हिम्मत जुटा के बिकॉज इट वॉज द प्लेस वॉज क्वाइट फार फॉर मी. और मैं इवनिंग में जाती थी तो मैं गुरु जी के दरबार में गुरु जी के बड़े मंदिर में 5 बारी गई बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड. मैं महाशिवरात्रि को भी गई. 25th December को भी गई. और शायद आई थिंक यू नो सो महाशिवरात्रि वॉज अ वंडरफुल ओकेजन. तो अब जब मैं सेकेंड टाइम वहां गई और जब तब तक मैं जब मैं गई और मैंने वो प्रसाद खाया गुरु जी का लंगर प्रसाद खाया. उसके बाद जब मैं खा रही 2-3 दिन के बाद मैं देख रही थी अपने थ्रोट पे मेरे को एक सिस्ट थी ग्रीस में. एक्चुअली इट वॉज अ बेनाइन सिस्ट नियर माई थायरॉयड पैराग्लैंड्स यू नो. तो वहां डॉक्टर चाहता था कि वो इसको ऑपरेट करते. और मैं भी सोच रही थी कि इंडिया जाऊंगी वेयर आई वुड यू नो रन अराउंड टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑल दैट. तो मैं करा देती हूँ सर्जरी. पर फिर मेरे फिर आया कि नहीं सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन एंड इट्स जस्ट बिनाइन आई शुड नॉट यू नो गेट ऑपरेटेड अपॉन. तो जब वो दूसरी बार मैंने गुरु जी का वो लंगर प्रसाद खाया और मैं जब मैंने बताया घर गई तो 3-4 दिन के बाद मैं सिस्ट ढूंढ रही कहाँ गई. तो मैंने रियलाइज किया कि सिस्ट डिसअपीयर हो गई थी. द सिस्ट वाज नो लॉन्गर देयर. आई जस्ट कुडंट बिलीव. बस फिर मैंने सोचा ये तो गुरु जी की कृपा है गुरु जी की महिमा है. एंड आई थॉट टू माय सेल्फ गुरु जी यू आर सो मर्सीफुल. गुरु जी आर सो ग्रेट. मैंने तो आपकी शायद पूजा भी नहीं की आराधना भी नहीं की. और हाँ मैं जब पहले दिन से गई थी तो एक डिसबिलीव कभी नहीं हुआ मेरे मन में क्योंकि जिस रिलीजन में मैं आती हूँ उस रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी पे बहुत एम्फेसिस है. हमारे गुरुज भी कहते हैं कि अपने कर्मों के बंधनों को काटो और वो अच्छे कर्म करो करेंगे आप तो कटेंगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन कंपैशन ऑन चैरिटी ऑन एम्पैथी इन माय रिलीजन. तो यही गुरु जी की भी यही कहते थे गुरु जी. पर मुझे लगा गुरु जी तो बहुत ही ये तो सचमुच ही एक भगवान है क्योंकि मेरे को एकदम से उन्होंने ठीक कर दिया. कितने लोगों को कितनी डिसीज़ से राहत दिलाती है कि लोगों को मेंटल स्ट्रेस से राहत दिलाते हैं. इट ऑल स्टार्टेड फीलिंग वेरी वेरी रियल. और अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए मैं कई सेंट्स से मिली स्पिरिचुअल लोगों से भी मिली थी और कई ब्लेसिंग्स भी उनके लिए. पर इस तरह के गुरु जी जो कि इतने सारे लोगों को इतनी प्रॉब्लम से रिलीफ देते हैं और जो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं ये सब इट वॉज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू. रियली कई बार लगता था कि ऐसे भी होता है ये तो भगवान है. पर फिर धीरे धीरे लगने लगा एक्सपीरियंसेस हुए कि गुरु जी भगवान ही है. शिव का रूप है और ही इज लॉर्ड शिवा मैनिफेस्ट. उनकी मैनिफेस्टेशन है नथिंग लेस देन दैट.
तो इसी तरह फिर लॉकडाउन जब स्टार्ट हो गया तो मैं रिलेटिव्स के पास कुछ रह रही थी एंड आई वाज ऑन द लुक आउट टू रेंट आउट अ प्लेस. काफी परेशानी हो रही थी मेरे को किसी के यू नो रिलेटिव्स के पास मैं लगा था कि ओवर स्टे कर रही हूँ. तो किस तरह मैं गुड़गांव में आई और मेरे को एक रेंटल पे एक अपार्टमेंट मिला, वो सब गुरु जी के इंटरवेंशन थे. इट्स अ सत्संग बाय इटसेल्फ बट आउट ऑफ नो वेयर आई गॉट इन टच विद समबडी. उन्होंने कोई जगह रेकमेंड करी और मैं फिर कैसे आ गए. इट वॉज डेफिनेटली गुरुजी मर्सी. तो फिर अब तो उस बीच में ये हुआ कि जब मैं अपने रिलेटिव्स के पास रह रही थी तो एक दिन मैं वहां बालकनी में थी तो मैंने वहां पे एक ब्यूटीफुल रोज रेडियंट रोज आई सॉ इन द बालकनी. तो मेरे को सुना था कि गुरुजी एंड फ्लावर्स यू कैन आइडेंटिफाई गुरुजी यू नो फ्लावर्स विद गुरुजी. गुरुजी की प्रेजेंस कई बारी रोजेस के फ्लावर रोजेस की फ्रेग्रेंस से आती है. सो व्हेन आई सॉ दैट ब्यूटीफुल रेडियंस रोज इन द बालकनी मैंने सोचा गुरुजी ये तो फ्लावर आपकी मुझे याद दिला रहा है. गुरुजी हाउ नाइस. और अब आप ही कृपा करें कि मेरे को जो मैं घर रेंट कर रही हूँ वो मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए और मैं वहां पे शिफ्ट कर लूं. और जब मैं शिफ्ट करूंगी गुरुजी से पहले अगर आप मुझे एक रोज और दिखा देंगे तो फिर मुझे और भी लगेगा कि ये तो सब गुरुजी की प्रेजेंस है. एंड यू वुडंट बिलीव संगत जी जिस दिन मुझे शिफ्ट कहां से करना था सुबह मैंने बालकनी में देखा. पहले एक रोज था एक रोज एक और रोज उस मॉर्निंग में इट वॉज जस्ट इट हैड ब्लूम्ड. देयर वर टू ब्यूटीफुल रेड रोजेस. आई सेड गुरुजी ओह इट्स इनक्रेडिबल. आई केप्ट फ्रॉम सेइंग गुरुजी इट्स इनक्रेडिबल. फिर अब मुझे शिफ्ट करना था दूर गुड़गांव में. मैं उबर नहीं ले रही थी बिकॉज ऑफ कोरोना. आई वाज रियली स्केयर्ड नॉट टू आई डिडंट वांट टू एक्सपोज मायसेल्फ टू एनी थर्ड पर्सन. अब कहां से मेरा कोई ओल्ड कॉन्टैक्ट मेरे यूनिवर्सिटी डेज का 35 years और पता नहीं 40 years के बाद मैं उसको मिली एक्चुअली. और वो मुझे गाड़ी अपनी लेके शिफ्ट करवा रहा था तो जब मैंने उसका गाड़ी में बैठी तो गुरुजी की फोटो वहां थी. आई जस्ट ब्लर्टेड आउट ओ गुरुजी जैसे आप ही गुरुजी. बिल्कुल मैं तो गुरुजी की अब संगत हूँ सर. ओ आई बिलीव हम गुरुजी के फॉलोअर्स हैं. मेरी वाइफ तो बहुत गुरुजी की फॉलोअर है. मेरी फैमिली गुरुजी की फॉलोअर है. तो मैंने बोला तो गुरुजी ने आपको भेजा आज मेरे को टू हेल्प मी शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव. बहुत अच्छे से शिफ्टिंग हुई सब हुई. ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ था. और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ड्यूरिंग दिस वन ईयर ऑफ माय एसोसिएशन विद गुरुजी ये जो पीरियड गया है एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है मेरे लिए. दैट्स माय फीलिंग यू नो. ये एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का पीरियड रहा और मुझे कई बार लगता था कि हमने तो इतने हमने पाप किए इतने हमारे ऊपर बोझ है कर्मों का और हमें भगवान गुरुजी जैसे उन्होंने ही हैज एक्सेप्टेड मी तो गुरुजी मैं क्या करूं टू बी ऑलवेज योर आई मीन टू बी एक्सेप्टेड यू फॉर एवर एंड फॉर एवर और आने वाले जन्मों में भी. तो गुरुजी मेरे को अपने आप को और बेटर बनाना पड़ेगा. तो वो गुरुजी के जो ABC है कि डोंट अब्यूज डोंट बैकबाइट एंड डोंट क्रिटिसाइज. तो मैंने इन चीजों में आई बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ यू नो माई एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स. जो वर्कर्स भी हैं उनके प्रति भी कोशिश करती हूँ कि मैं क्रिटिकल ना हूं उनकी क्रिटिसाइज ना किसी की करूँ एंड लेट इट बी यू नो. और अपने आप को और पीसफुल बनाऊं अपने आप को और क्वाइट करूं. तो ये एक जो ये जो एक साल रहा है मेरा गुरुजी के साथ एसोसिएशन का ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. और मैं बाकी संगत के भी जब वो सत्संग सुनती हूँ तो बहुत लोगों ने ये डिस्क्राइब किया है कि कैसे गुरुजी ने उनको बड़ा उनके अंदर एक वॉयस लाया एक ठहराव लाया और सबको गुरुजी रिफॉर्म कर देते हैं बदल देते हैं. दैट्स अ वंडरफुल थिंग. एक गुरुजी ने एक साल में अगर मुझे एक बेटर मुझे बना दिया तो शायद गॉड नोज दैट हाउ परहैप्स आई विल रियली बी अ मच बेटर ह्यूमन बीइंग सब्सिक्वेंटली. तो ये सब गुरु कृपा है. और अब जहां पे मैं आई हूँ रह रही हूँ जहां पे मैंने रेंटल पे लिया वहां भी गुरुजी की संगत मिल गई. तो ये तो सब गुरुजी की देन थी. मेरे ऊपर एक ब्लेसिंग थी कि दैट गुरुजी ऑर्केस्ट्रेटेड ऑल दिस इन सच अ ब्यूटिफुल मैनर कि
आपको ऐसे लगता है ऑनेस्टली कि एक लाइफ में एक एंकर जैसे मिल गया हो, आपको एक फीलिंग होती है कि मैं इंडिया इतने दिन के बाद आई और एक आई वॉज लॉस्ट, कोविड का टाइम है, यू नो कई बार लगा कि लाइफ हैज बीन अपेंडेड, पर नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि अब तो एक ऐसा है कि प्रेजेंस है, डिवाइन प्रेजेंस है, रात को भी दिन को भी, और कई बारी छोटी छोटे कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं विच आर जस्ट अमेजिंग. कभी जिंदगी में इतने कंट्रीज में मैं रही, कई नोबल सोल्स से मिली, अच्छे महापुरुष जिनको कई लोग कहते हैं उनसे मिली, और हमारे अपने कई गुरु थे, मगर इस तरह का कि आप याद करो और गुरु जी की प्रेजेंस फील करो, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहेगी. और एक गुरु जी अंग संग है, ही इज ऑलवेज देयर टू होल्ड योर हैंड, ही इज देयर टू ब्लेस यू. बस ये है कि हमें अपने आप को, at least I feel that I have to make myself a better human being, और मैं जैसे भी संगत के साथ भी जुड़ूं और मतलब सेवा कर सकूं और लोगों की भी, you know, that's my wish. और एक और अगर मैं, अगर टाइम है तो अगर मैं एक और छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं कि गुरु जी के जो स्वरूप थे, मैं उनको पहले पिक्चर्स करती कहती थी, आई डिड नॉट नो दैट दे वर दे डिपिक्टेड गुरु जी इन रियालिटी. Like Guruji was live in those pictures until I experienced that myself. तो गुरुजी के दो जो स्वरूप थे, एक स्वरूप जब मैं देखती थी, जब मैं रिलेटिव्स के घर भी रह रही थी, एंड इट वाज अ टर्बुलेंट पीरियड फॉर मी क्योंकि मेरे पास अपना घर नहीं था, मेरा कार्गो कहीं था, सो इट वाज यू नो अ पीरियड ऑफ शिफ्ट, इतना चेंज थे लाइफ में. तो एक पिक्चर में से मुझको कई बार शुरू में ऐसे लगे जैसे उसके कलर्स बदल रहे हैं, मैंने सोचा नहीं शायद लाइट पड़ रही है ये, बट नो इट इंडीड वो गुरु जी की पिक्चर बहुत बारी शिव जी जैसे लगती थी, जैसे कि पीछे ट्राइडेंट है, तीन लाइट्स पड़ रही हैं, दे लुक लाइक अ ट्राइडेंट, ऊपर एक बन है, ऐश जैसे बॉडी पे ऐश है. सो मेनी अ टाइम आई फेल्ट दैट दिस वॉज लॉर्ड शिवा, गुरुजी's picture was being transformed into Lord Shiva. तो पहले तो मुझे लगा कि maybe I'm hallucinated, maybe it's just an illusion. पर बहुत बार maybe I even doubted my own sight कि मैं शायद ठीक से देख नहीं पा रही. But no, this was the reality. जी वो picture इतनी live थी, वो गुरुजी की picture है. तो फिर मैंने इंडीड तो गुरुजी लाइव मुझे लगते हैं उस पिक्चर में, और है ही लाइव. तो जब कोई कुछ भी होता है मैं उस पिक्चर के आगे बैठती हूँ, कहती हूँ गुरुजी प्लीज शो मी द राइट पाथ, गुरुजी मेक मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, गुरुजी मुझे हेल्प करो, मेरे जो कर्मों का बोझ है वो कम हो, गुरुजी प्लीज ब्लेस माय फैमिली, गुरुजी ब्लेस माय सन, गुरुजी ब्लेस दिस वर्ल्ड, मेक इट अ बेटर प्लेस. तो अब तो मैं वो जो पिक्चर्स है वो गुरुजी के एक्चुअली वो स्वरूप है ना कि फोटो है. ये मेरा अब एक्सपीरियंस कितनी बार हुआ. और गुरुजी की जो थर्ड आई है, आई एम श्योर दैट्स देयर, क्योंकि एक जो दो पिक्चर्स हैं, एक में तो लॉर्ड शिवा वो नजर आते हैं बहुत बारी, और जो बड़ी वाली पिक्चर स्वरूप है उसमें मैंने गुरुजी की, जब रात को भी सोने से पहले पिक्चर के पास, स्वरूप के पास बैठती हूँ या मॉर्निंग में जब बैठती हूँ, बहुत बारी एक आंख गुरुजी की जैसे एनलार्ज होती है. कितनी बारी मैंने देखा एक क्लियरली एक आंख एनलार्ज होती है, मैं बोलती हूँ शायद ये गुरु जी की, लॉर्ड शिवा की थर्ड आई है, जो भी गुरु जी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. तो इन शॉर्ट आई वुड से दैट गुरु जी शुक्राना, बहुत बहुत इन्फिनिट ग्रेटिट्यूड टू यू कि आपने मेरा हाथ पकड़ा, मैं इंडिया आई, मुझे एक एंकर मिल गया, मुझे एक इतना बड़ा एक सपोर्ट गुरु जी, स्पिरिचुअल सपोर्ट, एक डिवाइन सपोर्ट आपने दी है, और प्लीज इसके काबिल बनाना कि हम आपके काबिल बने, मैं आपके काबिल बनूं, और कोई गलती हो माफ करना, और ताकि आई शुड रिफॉर्म माई सेल्फ इवन बेटर. बट इट्स वंडरफुल टू कनेक्ट टू गुरु जी. इट्स आई हैव नेवर 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 मेट एनी महापुरुष लाइक गुरु जी, और इट्स जस्ट बीन वंडरफुल. So if I have maybe another 2 minutes, I would also like to mention that there have been times when I felt a bit conflicted.
मुझे लगा कि जो मेरे अपने रिलीजन के जो गुरु हैं, जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी सिखाई, जिन्होंने मुझे कंपैशन सिखाया, जिन्होंने मुझे सोल के ऊपर एम्फेसिस दिया, टोल्ड मी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल विज़ ह्यूमन बॉडी, अब मैं उन गुरुज को क्या छोड़ दूं, मैं उनकी क्या भक्ति करनी छोड़ दूं, तो अब मैं गुरु जी का ही क्या खाली जाप करूंगी। बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट मेरे मन में आई, क्योंकि इतने साल जिंदगी के मैंने उन गुरु जी के जो मंत्र जाप थे, जो मेरे अपने गुरु थे, मेरे धर्म के, उनकी पूजा पाठ करती थी। बट स्लोली स्लोली यू रियलाइज कि जैसे बाकी संगत भी कहती है कि गुरु जी इज द अल्टीमेट, गुरु जी इज ओमनी प्रेजेंट, यू फील गुरु जी एवरीवेयर, गुरु जी ओमनी साइंट, वो सब जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है। और ये तो मैंने खुद कितनी बार एक्सपीरियंस किया है। और गुरु जी में पावर ओमनी पोर्टेंट तो वो है ही, इतनी पावर, इतनी ताकत है कि आपको ब्लेस करते हैं। तो वो जो अल्टीमेट हमारे गुरु जी हैं, उन्हीं में सब बाकी गुरु हैं, देवी देवता सब गुरु उन्हीं में है, उस सबके ऊपर एक भगवान का रूप है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी अब धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। और इट्स जस्ट गुरु जी, वंस अगेन आई एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू, माय प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड इंडीड माय ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर ऑलवेज फॉर एक्सेप्टिंग मी, फॉर होल्डिंग माय हैंड, फॉर शोइंग मी द रियल पाथ इन लाइफ। थैंक यू सो मच। आई थिंक माय टाइम इज ओवर। जय गुरु जी।